अस्सलाम वालेकुम डियर सर, दिशान सर जरदली ग्वालियर से। अच्छा बेटा, हमारे चैनल का नाम दिशान फो है, इसके अंदर आप जाएं और इसके अंदर तमाम गेस्ट नंबर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड सबको आपको मिल जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, मैंने डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको कराना है, मैंने आपसे वादा किया डायरेक्ट इंडायरेक्ट सिखाएंगे, बड़ा जबरदस्त सिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एपिसोड नंबर 1 यानी कि दिशान इन्फो लिखें, एपिसोड नंबर 1 या फिर पार्ट 1 लिखें तो आपको हमारी वीडियो नंबर 1 मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसके अंदर आपने सारे रूल्स को पक्का करना है। मैंने उसके अंदर सारे रूल्स वगैरह को किसके प्रोनाउन की क्लियर करना है, किसके प्रोनाउन के लिए किसके करना है, प्रोनाउन के ही शी इट आई विल, देखिएगा और मजे के और इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आज वाली वीडियो के अंदर मैं सारे रूल सिखाऊंगा, वर्ब जो अभी पहले वाली वीडियो में रिपोर्टिंग सिखाया मैंने, रिपोर्टिंग को कैसे चेंज करना है और रिपोर्टेड के प्रोनाउन को चेंज करना सिखाया। लेकिन आज की जो वीडियो बड़ी खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो आप सीखोगे बेटा वर्ब को चेंज करना सीखोगे, वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है, वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाती है, ये सारी चीजें करोगे, पोजेसिव को चेंज करना सीखोगे, ये तमाम उसको थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इस वीडियो में प्रैक्टिस भी कराई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इंटरोगेटिव जो इसके डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंटरोगेटिव बोल रहे हैं डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस वो मैं कंप्लीट करूंगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर ग्रामर वगैरह को, ठीक है, जरा स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा अभी स्टूडेंट अब आते हैं एक और राउंड पे, बड़े मजे का राउंड स्टार्ट करते हैं। देखो रिपोर्टेड स्पीच को जरा चेंज करना है, जो भी चेंज करवा था ना वर्ब को, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। जैसे गो का वेंट सेकंड फॉर्म, वेंट की थर्ड फॉर्म गोन होती है, ये जो फॉर्म ये मेन वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब, कैन गुड शुड वुड मे माइट, ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब है, इनको भी चेंज। तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में। बता रहे क्या बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड में। अभी सब लिखवाऊंगा, ये मैंने टेबल बनाऊंगा अभी इसको क्लियर करूंगा, इसको समझाता हूं। अभी सब लिखवाऊंगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज कर दोगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। इज एम आर किस में चेंज कर दोगे, वॉज वर्ब में कर दोगे। कब कर दोगे, अभी शरायत को जरा देखते हैं। एक मैंने शर्त लिखी है आपको, मैंने क्या लिखा है, डायरेक्ट से जब तुम इनडायरेक्ट में जा रहे होगे, मैंने एक टेंस एग्जांपल देता हूं। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। सर हमें टेंस नहीं आते, ओके भाई परेशान क्यों, डांट क्यों, सुनो तो। अच्छा तो एक काम करना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो किस में चेंज कर देना, सेकंड में। इतना तो पता होगा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो किस में चेंज कर देना, सेकंड में। भूल जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को, जिसको नहीं आता भूल जाए, टेंशन ना ले। क्या होगा देखो, मिसाल के तौर पे शी सेड आई प्ले क्रिकेट, तो शी सेड है, एज इट इज आ गया, यस सर याद आ गया, बिल्कुल हमने ऐसे सीखा था। कॉमा की जगह क्या आ गया, डेट आ गया। आई 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 क्या फर्स्ट पर्सन कहां गया, सब्जेक्ट में गया, सब्जेक्ट में कौन है, शी है, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, शी आ गया। अब सुनो, यहाँ हम बोला करते थे बाद में सीखेंगे, वो बात अब आ गई है, अब आ गई है, यस सर आ गई है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, प्ले क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड में। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड हो गई। सर हमें फॉर्म नहीं आती, तो एक काम करना तुक्का मार देना भाई, ईडी लगा देना आखिर में, खुद ही थर्ड फॉर्म बन जाएगी सबकी। तकरीबन 80% जो वर्ब्स होते हैं ना, बल्कि 85% उनके आगे ईडी लगा दो तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है जी। बाकी आपको इरेगुलर याद करनी पड़ती है। शी प्लेड क्रिकेट हो गया, कितने आसानी से हो गया, देखो ये डायरेक्ट था और किसमें आ गया, ये इनडायरेक्ट में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, अब मैं तमाम आपके यहाँ रूल लिख रहा हूँ, इसको मिटाकर सुकून से, और फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, मैं सारे इसके रूल लिखता हूँ सारे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अब देखें 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 क्या करा हमने लोगों ने, अब हमने रूल बना दिए, अब हमने क्या करा स्टूडेंट, देखें हमने सारे रूल लिख दिए, और सुनेगा मेरी बात को, जूम कर लें थोड़ा सा ताकि अच्छा सा नजर आए आपको। देखें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो किस पे चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मिसाल के तौर पे प्ले था, किस में हो गया, प्लेड हो जाएगा, सब कुछ बाकी देखें, जूम करके देखें पुराना है। नंबर टू, जब सेंटेंस में इज एम आर होगा वो किस पे चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ब में। कैसे हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है, ही सेड दे आर गोइंग टू जू, पता है ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा। ये देखें गौर करें, ये आ गया और इसकी जगह ये पूरा फॉर्म आ गया, समझ में। अब जरा गौर सुनिएगा, ये जो दे है, दे का ताल्लुक किससे होता है स्टूडेंट, थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो दे जो था वो एज इट इज रहा, चेंजेस नहीं हुई। हम क्या सीख रहे हैं अभी, इज एम आर को देखें, इज एम आर अगर इज या एम या आर में से तीनों में से कोई एक है, वो कौन है, आर मौजूद है, तो किस पे चल जाएगा, वो वॉज या वर्ब में। अब ये देखें, दे बहुत सारों के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारों के लिए दे आ गया, तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, वॉज नहीं लगाएंगे, वॉज सिंगुलर के साथ लगाएगा और वर ज्यादा के साथ लगाएगा, वी के साथ या दे के साथ या ज्यादा लोगों के साथ, तो क्या लगेगा, दे वर। अच्छा जी आ जाइए इधर नंबर थर्ड में, ये रूल याद कर लें। अब क्या अगर सेंटेंस में क्या होगा, हैज या है वो, तो उसको किसमें चेंज कर देगा, हेड में। हम कर रहे थे ना, हम बोला था बाद में सीखेंगे, थे कितने मैसे हो गया। अब यहां देखें, दे सेड वी हैव, ये आगे हैव, हैव आ गया, यहां पे क्या कर दिया मैंने, हैव का ये हेड कर दिया। और बाकी देखें, दे सेड
क्या हो गया, दे सेड दैट हो गया. अंदर वी फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन है, दे, देगा क्या आ गया, दे, ठीक है जी. ये क्योंकि सब्जेक्ट हमें चेंज होता है, ये सब्जेक्ट है वी, किसमें चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट दे आ गया स्टूडेंट, ओके. अच्छा जी कहां पहुंचे थे हम, आगे हैव किसमें चेंज हो गया, हेड में हो गया. हिज का ताल्लुक किससे होता है, ही से, और ही थर्ड पर्सन हो रहा है, चेंज नहीं होगा, तो हिज का ये हिज ही आ गया, ओके. पेंसिल का पेंसिल आ गया. नंबर फोर्थ रूल, कितने में से रूल याद हो गए, देखिए तीन ऐसे याद हो गए. फॉर्म मैंने ये भी लिख दिया कि जितने प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस पे जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है, टेंसेस आते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, अगर नहीं आते तो मैंने जो आपको टिप्स दी है जैसे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इनको कहीं साइड में करके लिख लीजिए अपने पास, और आसानी हो जाएगी. अगर हैज बीन या हैव बीन हो वो किस पे चेंज होगा, हैड बीन में. कैसे, आई सेड टू हिम यू हैव बीन, और यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा. किस पे चेंज होगा, हैड बीन में. कैसे, आई सेड टू हिम क्या हो गया, आई टोल्ड हिम दैट. सर ये तो आता है, ये तो आता है कि सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, ओके. यू, यू का ताल्लुक सेकंड पर्सन से कहां जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम. अब हिम का क्या होता है, ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, ही लिख दिया, ठीक है. सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आता है, और हैव की जगह पे क्या आ गया, हेड आ गया, बीन, बीन आ गया, और प्लेइंग का प्लेइंग आ गया, सिंस मॉर्निंग. ये चारों रूल जो ब्लू कलर से लिखे हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक साइड पे जरूर लिख लें. जैसे यूं लिख लीजिए आप, वर्ब वन किसके में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में. इसी तरह से अगर आपके इज आ गया, एम आ गया, और आर आ गया, किस में चेंज होगा, इसको एरो डाल लें ताकि आसानी रहे, वाज या वर्ब में चेंज होगा. इसी तरह से अगर हैज और अगर हैव है तो किस में चेंज होगा, हेड में होगा. इसी तरह शॉर्टकट में इसको कहीं लिख लीजिए. अभी रूल खत्म नहीं हुए, अभी तो मैंने आपको प्रेजेंट से पास्ट पे कर, अब ये जो पास वाले हैं ये किस पे जाएंगे, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा. तो ये जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास पास देख लें. मैं इसकी मजीद आपको रूल पहले लिखवा दूं. अब मैंने बेटा पांचवा लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, किस पे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में. सर टेंस तो में आते नहीं है, कुछ हल निकाले, ओके भाई. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो किस पे चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में. लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, ऐलान हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, उसके साथ हेड आता है. अगर टेंड लगता है तो बंबू लगते हैं, तो क्या होगा, हेड. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हेड आएगा, हेड के बगैर वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी कहीं नहीं आती, ओके भाई. पास पैसिव वॉइस के अलावा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस पे चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो कुछ कुछ याद हुआ, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस पे जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में. कितना आसान हो गया, ओके. अब एक एग्जांपल से समझते हैं बात को, क्या हुआ, ही सेड, क्या बना, ही सेड दैट, कॉमा दिया, ओके. माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई 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 माई, माई का ताल्लुक किससे, आई से, माई का ताल्लुक किससे, आई से. जब माई का ताल्लुक आई से है तो माई फर्स्ट पर्सन है, बताओ फर्स्ट पर्सन किस पे जाएगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कौन है, ही है. तो ही का माई, माई क्या पोजेसिव है, तो गौर सुनो, ही का क्या होगा पोजेसिव, ही का पोजेसिव होता है हिज होता है, क्या होता है, हिज होता है. तो माई जाएगा क्योंकि माई पोजेसिव है, तो पोजेसिव की जगह पर पोजेसिव आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज हो गया, हिज फ्रेंड, क्या आ गया, हिज फ्रेंड. और बताओ गिव सेकंड फॉर्म है, ये देखो सेकंड फॉर्म है, किसमें चली गई, थर्ड फॉर्म में. थर्ड फॉर्म कौन होती है, हेड गिविन, हेड गिविन, थर्ड फॉर्म आ गई हेड के साथ, हेड गिविन, क्योंकि हेड हमने खुद इजाफा कर दिया, यहां पे हेड नहीं था, हेड गिविन. अच्छा जी उसके बाद क्या, मी, मी का ताल्लुक किससे बेटा, फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट पर्सन किसमें जाता है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कौन है, ही है. अच्छा जी ही है, तो यहां पे ही तो नहीं लिखू, तो यहाँ पे ही की जगह क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा. बताओ ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट, हम जरा पेज पलट के देखो तो हमारे ही का ऑब्जेक्ट नजर आएगा, हिम नजर आएगा, क्या नजर आएगा, हिम. तो ही की जगह लिख दी हिम आ चॉकलेट, कितने मेल से आ गया, तो बेटा क्या क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है, हेड का इजाफा हुआ है, ये चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ है. इनको जरा रिपीट करके देखो कि जो जो चेंजेस हुई है, खोपड़े में आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में. अच्छा जी नेक्स्ट रूल के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी टेंस का नाम लिखा, फ्यूचर के टेंस शुरू होते हैं अगर पास्ट इंडेफिनिट तो ओके, ठीक है जी. अच्छा जी अगर मैं विल की बात करता हूं तो विल किसमें चेंज होगा स्टूडेंट, वुड में चेंज हो जाता है. कैसे होगा यहां देख लीजिएगा, ही सेड दे विल फिनिश देयर वर्क, यहां क्या हो जाएगा, ही सेड है, ये ही सेड एज इट इज इनफ, और कॉमा की जगह क्या आ गया, ये दैट आ गया, ओके. दे विल, दे का ताल्लुक इससे, थर्ड पर्सन से, दे चेंज नहीं होगा, दे एज इट इज इनफ, स्मॉल डी हो गया. अच्छा जी विल किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, वुड में हो जाएगा. अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे विल वुड में हो गया, कैन कुड में हो गया, शुड शेयर शुड में हो गया, मे माइट में हो गया, अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं तो मेन वर्ब चेंज नहीं होता. जैसे फिनिश है तो फिनिश ही रहेगा, फिनिश्ड नहीं हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा, सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगा, याद रख लेंगे. लेकिन हेल्पिंग वगैरह वर्ब चेंज हो रहा है तो मेन वर्ब चेंज नहीं होता. अच्छा जी डियर का ताल्लुक किससे बेटा, थर्ड पर्सन से, क्योंकि दे से निकला है डियर, डियर थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करते, तो डियर वर्ब एज इट इज हो गया, ठीक है जी. नेक्स्ट पर आते हैं. अच्छा जी नंबर लेते हैं सेवन, जो कि आपका बड़ा मशहूर है, कैन, कैन किसमें चेंज हो जाएगा बेटा,
गुड में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसका कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दोबारा से, ही सेड दे कैन, ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, दे कैन फेक देयर वर्क। चलो देयर वर्क आगे यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, जरा यूअर कर देते हैं, ओके चलो यूअर छोड़ देते हैं, हिस कर देते हैं हिस, ठीक है हिस वर्क। अच्छा ये आ गया, इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट, ठीक है जी, ही सेड दैट। अच्छा जी अब बताएं, दे है, दे चेंज नहीं होता, दे एज इट इज ना, बताएं कैन की जगह क्या आ जाएगा, बस कैन की जगह ये कुड आ जाएगा, कुड। और ये देखिए जब कैन कुड में हो गया तो फिनिश फिनिश ही रहेगा, फिनिश नहीं होगा। अच्छा हिज का ताल्लुक किससे बेटा, ही से, ही क्या होता है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर ये हिज ही रहेगा, तो ये कैन भी समझ में आ गया, कैन भी हो गया। अभी अब थोड़ा इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़े से रूल को, थोड़ा जमा के रखे दिमाग को, बड़ा जबरदस्त होने वाली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आगे बेटा क्या, शी सेड, मेक इस पे चेंज हो जाएगा, अपने और शॉर्टकट कर दिए ताकि वर्ड आपको थोड़ा इजी लगे, मेक इस पे चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, इसका मतलब शायद। शी सेड टू अस क्या होगा, शी टोल्ड अस, ठीक है, और कॉमन जी का दैट आ गया। यू किसका ताल्लुक किससे, सेकंड पर्सन से, सेकंड पर्सन किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, जो जुमले के आखिर में होता है, आखिर में कौन है, अस है, तो अस का क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट वी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आता है, तो वी आ गया। मे की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, चेंज होगी इसमें माइंड में, और देखिए जब मैं माइंड में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया तो वर्ब मेन वर्ब चेंज नहीं होगा, इनवाइट इनवाइट रहेगा, ठीक है। देम का ताल्लुक किससे, दे से, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, देम का देम रहेगा, टू डिनर, सिंपल। अब आते हैं मस्ट की तरफ, देखिए जरा मस्ट चेंज होता है बेटा हेड टू में, मस्ट चेंज होता है हेड टू में, बेटा क्या हुआ, मस्ट किस पे चेंज करेंगे, हेड टू में करेंगे, ठीक है। सेंटेंस एग्जांपल, दे सेड टू मी कॉमन वर्ड कॉमा ही मस्ट गो टू बैंक, क्या हुआ, दे सेड टू है मी के साथ, तो सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, मी का मी आ गया, इनवर्ट कॉमा की का डेट आ गया, ठीक है जी। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता, ही एज इट इज आ गया। मस्ट की जगह क्या आ गया, देखें मस्ट की जगह आ गया हेड टू आ गया, क्या गया हेड टू, और जब मस्ट हेड टू में आ गया तो गो चेंज नहीं होगा, गो एज इट इज रहेगा, इसको मत चेंज कर देगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगी जब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे होंगे, और टू बैंक एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं थोड़ा, तो बेटा एक रूल और आ गया, हैव टू किस में चेंज होगा, हेड टू में, आपको पता है हैज और हैव किस में चेंज होता है, हेड में होता है, हैज टू हो या हैव टू हो, हेड टू में चेंज होगा। शी सेड कॉमा की का दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, शी आ गया, आई का आई फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में जाएगा, फिर किस में आ जाएगा, शी, ठीक है, शी आ गया। हैव किस में चेंज होगा, हेड टू में, ठीक है, ये हैव टू किस में चेंज होगा, have to head to में चल जाएगा, जब helping verb change हो गया तो verb change नहीं होगा, submit submit रहेगा, assignment assignment रहेगा, तो ये rule हो गए आपके सारे, और आगे बढ़ते थोड़ा। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो वो रूल्स मैंने आपको लिखवाए, मैंने कहा आपको मजीद और प्रैक्टिस करवा दूं, प्रैक्टिस के बगैर मजा नहीं आएगा, मैं कुछ आपको लिखनी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, अपने एक पेपर पेंसिल पे लिखें, और इसके डायरेक्ट भी मैंने लिखे हुए, इसके इनडायरेक्ट बनाए, ठीक है, इसके फिर मैं उसका सॉल्व कर देता हूं, फिर आप इसको वेरीफाई करें कि आपकी कहां कहां गलतियां हुई हैं, फिर उनको सॉल्व करने का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हमारा ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लें और मैं लिख लें इसको कहीं पर, मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं, जल्दी वेरीफाई करते हैं इसको जल्दी, हरी अब तो मुकाबला सख्त है और आपने बना लिया होगा, मैंने उसके आंसर लिख दिए ताकि अब आप वेरीफाई कर सके, हाँ चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक हुई और कहाँ नहीं। चले ये डायरेक्ट आई सेड टू बेटा, सेड टू ये जो था चेंज हो गया, टोल्ड में हो गया, सन एज इट इज आ गया, कॉमा की जगह दैट आ गया, ओके। यू सेकंड पर्सन है, कहाँ जाएगा, सेकंड पर्सन गोस टू ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बराबर में होता है यानी कि एंड में होता है, सेंटेंस के सना सना की लड़की है, उसका क्या आगे शी आ गया। हैव चेंज होता है हेड में, और जब हैव हेड में हो गया तो फॉर्म वर्ब की चेंज नहीं होती, लॉस लॉस पे रहेगी। अच्छा माई का ताल्लुक किससे, फर्स्ट पर्सन से, आई से, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई का पोजिटिव क्या होता है, माई, तो माई माई भी रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू सेट टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में हो गया, मी एज इट इज रहा, कॉमा की जगह दैट आ गया, वी फर्स्ट पर्सन है, कहां जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, दे है, देगा, उसके हमने दे लिख दिया। हैव किस में चेंज हो गया, हेड में हो गया, जब हैव हेड में हो गया तो डन डन ही रहेगा, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। उसके बाद यूअर, यूअर का ताल्लुक किससे स्टूडेंट, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में मी है, मी का पोजेसिव क्या होता है, माई होता है, क्योंकि यूअर यूअर एक पोजेसिव है, तो ये जब जाएगा तो पोजेसिव ही आएगा, तो मी ऑब्जेक्ट है, मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का पोजेसिव क्या होता है, माई होता है, तो ये माई लिख देंगे, माई वर्ब, ठीक है। यहाँ आ ये तमाम चीजें पीछे मैं पूरा समझा चुका हूँ, पीछे से अगर आप देखते हुए सारी वीडियो को आ रहे होंगे तो ये बड़े मजे से समझ में आ रहा होगा, एंजॉय भी आप कर रहे होंगे। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं, सेट टू किस में चेंज हो गया, ये टोल्ड में हो गया, ठीक है जी, सेट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा भाई, क्या ली पली का लड़का है, लड़के का क्या जाएगा, ही आ जाएगा। हैव किस में चेंज हो गया, हेड में हो गया, टेक इन को हमने एजेंट लिख दिया, टी आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, शी आ गया, सेट टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में हो गया, हर अपनी जगह आ गया, ब्रदर आ गया, कॉमा की जगह डेट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी आ गया, हैव हेड में हो गया, फिनिश माई, माई का ताल्लुक फर्स्ट पर्सन से, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन है, शी, शी का पोजिटिव क्या होता है, हर, वो पेज पलट के देखो जो लिखवाया था, तो माई का पोजिटिव तुम्हें नजर आएगा कि शी का पोजिटिव क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पे हमारे हर आ गया, हर वर्ग। नेक्स्ट आ जाओ, शी सेड, शी सेड हो गया, डेट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा बेटा,
सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होने चाहिए, तो शी हो गया, हैव क्या हो गया, हेड हो गया, आप हो गए, ये तमाम चीजें जो मैंने बड़ी स्पीड से आपको बताएंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ाएंगे पीछे, ठीक है जी। तो आप जरा पिछली वीडियो या जो पिछला मैंने आपको काम करवाया हुआ है उसको जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले जो मैंने रूल्स सिखाए ना, वो तमाम चीजें मैंने सिखाएंगे, इनके वर्ब को चेंज करना सिखाया हुआ है, इनकी जो है ना पोजेसिव को चेंज करना सिखाया है, एक एक चीज को क्लियर सिखाया, बड़े मजे से किया, बड़ा इंजॉय किया, बहुत ईजीली किया, ठीक है ना। आए जरा मैं इसकी और मजीद आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको इतना से आप स्क्रीनशॉट ले लें और चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। स्टूडेंट में थोड़ा सा और एक दिए, इसमें हैव बीन वाले करा दिए, आप कंफ्यूज ना हो, तो क्या बनेगा, ही सेट टू हो जाएगा, ही टोल्ड हो जाएगा, और यू, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लें, पॉज कर लें, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। आई फर्स्ट पर्सन ने कहा सही कहा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैव किस में जाएगा, हेड में, हेड बीन सीरीज रहेगा, और जब ये हैव बीन और हेड बीन में हो गया तो वर्ब चेंज नहीं होगा, लिविंग लिविंग ही रहेगा। हेयर, अच्छा हेयर जो है ना देर में चेंज हो जाता है, ये मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा लास्ट में, कि हेयर देर में चेंज होता है, नाउ देर में चेंज होता है, टुडे द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, सब मैं आपको बता दूंगा, एक टेबल बनवा दूंगा, ठीक है। सिंस 1998 ये बन गया, इसकी टेंशन ना ले कि हेयर देर में क्यों है, अभी आपको सब बता दूंगा, ये एंड का काम है हमारा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शान टोल्ड मी दैट, ठीक है बेटा। यू सेकंड पर्सन का जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट को ने मी है, तो सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब तो हमें बड़ा अच्छा समझ में आ गया, ओके वाला आप ही चेंज, ठीक है ना। हैव किस में जाएगा बेटा, हेड में जाएगा, हेड बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स, ठीक है। अभी हम आगे ये करेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी करना है हमको, ठीक है, अगली वीडियो में कराऊंगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी करेंगे, इसका सारा उल्टा काम करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। अच्छा थर्ड मुझसे बन गया, मैं ऐसे करते करते बनाते फारिग हो गया, शी सेड कॉमा के डेटा हो गया, द कैट है, अरे द कैट है कि मैंने कहा था शुरू में थर्ड पर्सन नो चाहिए, कैट क्या है, किसी को कैट की उतारे आप बात कर रहे हैं कि वो दौड़ रही है दो घंटे से, ठीक है। द कैट ऐसी रहा, इसको चेंज नहीं करते। हैज हो गया हेड में चेंज, तो हैज बीन हेड बीन हो गया, रनिंग फॉर टू आवर्स को चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं डू और डस की तरफ, उसकी चेंजेस आपको बताता हूँ, बड़ी काम की है वो अभी तक मैंने नहीं बताई है। तो ये डू और डस जो है ना, इसको चेंज कर देगा, जहां डू डस है इसको मार देगा किससे, डिड से, तो डू और डस चला जाएगा, उसकी जगह डिड लग जाएगा, बस बाकी सारे रूल वही। क्या होगा, आई हो गया सेड टू, जगह टोल्ड हो गया, हिम की जगह हिम आ गया, कॉमा की जगह दैट आ गया, ओके। आई फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट होने आई, तो आई का आई आ जाएगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जिन गेम यहाँ पर है। डू किस में चल जाएगा, बस डिड में, पता डू किस में चल जाएगा, डिड में, और कुछ नहीं है। माई दोबारा, माई फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट होने आई है, आई का पोजेसिव क्या होता है, माई, चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज आ गया, वर्क एज इट इज आ गया, ओके यही एज इट इज आ गया, सेट टू की जगह टोल्ड आ गया, मी आ गया, कॉमा की जगह दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा बेटा, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई का क्या हो जाएगा, सॉरी आई का गया सब्जेक्ट में, गया सब्जेक्ट ही है, तो यहां पे ही आ गया, और डू का डिड हो गया, डिड नॉट, ओके। इसको चेंज मत करना, फर्स्ट फॉर्म रहती है, बोल चुका हूं जब हेड वर्ब चेंज होता है तो वर्ब चेंज नहीं होता। अच्छा द आंसर एज इट इज आ गया, ठीक है जी। तो ये डू और डस भी मैंने आपको लेटर से बढ़ा दूं ताकि सब चीजें आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं विल और शैल की। तो देखिए आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे से, आप प्रैक्टिस करें, आप नो डाउट आपको आप थकेंगे, थोड़ा सा आराम कर लें, पानी पी लें, थोड़ा स्किप कर लें, नमाज पढ़ लें, जरूरी नहीं आप एक साथ पूरा देखें, थोड़ी देर बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सुनना समझ में, अगर आपको मेरे लिए जान छुड़ानी है ना अपने आगे मैट्रिक वाले इंटर वाले ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मास्टर, तो बेटा वीडियो को प्रॉपर देखते जाइएगा, स्किप मत करिएगा, थकेगा हमारा जो करियर बनाना होता है, तो इंसान स्ट्रगल करता है, जो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल का मतलब ये कि आप थक गए, लेकिन आप थकन नहीं बल्कि बोलते हैं ना मैंने करना है और करना है, जब थकेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से बनेगा बेटा, शान टोल्ड हो गया, मी और ये दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट शान है, शान का क्या हो जाएगा लड़का, तो ही हो जाएगा। शेल का शुड लिख लें जी, और वुड लिख लें आपकी मर्जी, फिलहाल हम वुड लिख लेते हैं, वुड में हो गया तो प्ले को चेंज मत करिएगा, और ये फुड हो जाएगा, सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड पर आ जाए, ही हो गया और सेट सेट ही रहेगा इस बार, और ये दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, तो अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। विल किस में जाएगा, ये वुड में हो जाएगा, फिनिश। अच्छा माई फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होना ही का पॉजिटिव क्या होगा बेटा, हिज हिम हिज होता है, ठीक है, क्या होता है, हिज रिपोर्ट इन टू डे, पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इधर आ जाए, दे सेट ऐसे होगा, कॉमा की जगह दैट आ गया, वी फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होगा दे, तो यहाँ पे दे आ गया। शेल का शुड लिखना चाहते हैं या वुड आपकी मर्जी, शुड लिखें, वुड लिखें आपकी मर्जी, ठीक है, थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। अब जरा और प्रैक्टिस पे जाते हैं, दूसरे की कैन वाली की जरा देखते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस से पक तो ले रहे हैं, एंजॉय करेगा, आराम से मजे करते रहेगा। अब देखें मैं से कैन को कुछ भी कर ले, भाई कौन सा मुश्किल काम रह गया, कुछ काम नहीं रह गया, क्या हुआ, ही सेड है, क्या हो गया, ही सेड हो गया, कॉमा की जगह डेट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन कहां गया, सब्जेक्ट में कौन है, ही का क्या गया, ही आएगा, सब्जेक्ट ही का सब्जेक्ट, कैन किस में हो गया, कुड में हो गया, कैन बाई कुड में हो गया, कैन कुड में हो गया, प्ले प्ले रह गया, ओके ये स्पीड पकड़ते हैं, आई आई हो गया, सेट टू किस में हो गया, टोल्ड में हो गया, हर हो गया, कॉमा की जगह दैट आ गया, यू सेकंड पर्सन कहां जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट में हर, लड़की, लड़की का क्या होता है सब्जेक्ट, शी होता है, शी शी शी, और कांट यानी कि कैन नॉट, कैन
नॉट को शॉर्ट पढ़ते हैं कैन, ठीक है, कैन नॉट को हमने क्या लिख देंगे, कुड नॉट लिख देंगे, नॉट को लिखना भूल गया मैं, हम भी ऐसे कुडेंट लिख देंगे, कुडेंट, ठीक है जी, शी कुडेंट हेल्प मी। अच्छा मी को मैंने चेंज क्यों नहीं करा बताओ, मी फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पहले से आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, इसे चेंज नहीं हुआ। शी सेड ओके, कॉमा की जगह दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होना शी, तो शी आ गया, कैन किस में आ जाएगा, कुड में, स्पीक इंग्लिश एज इट इज, जब भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया तो वर्ब चेंज नहीं होगा। अब आ रही बात समझ में, अब तो खैर बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। अभी देखिए स्टूडेंट, अभी चीजें ये अभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक लंबी स्टोरी है, ये इंटर में जब आप इंटर के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको पैसेज की शक्ल में आएगा, बीकॉम बीए या ये एप्टीट्यूड टेस्ट वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये पैसेज में आते हैं और लाइन बाय लाइन भी आते हैं, लेकिन 9-10 के अंदर ये लाइन बाय लाइन आ जाएंगे, इजी होता है। तो बाहर इसकी ज्यादा लेंथ है, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर हमें नेगेटिव थोड़ा देखिए, नेगेटिव तो आसान आप देख रहे हैं, इंटरोगेटिव जब आएगा थोड़े से ट्रिक मैं आपको दूंगा। अब हमारा काफी सारा काम कंप्लीट तकरीबन हो गया है, ठीक है, तो आए मजीद मजीद चीजों को देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जो बड़ी अहम है, बड़ा मजा आने वाला है आपको आगे। अच्छा मैंने यहाँ तक काफी प्रैक्टिस करवा दी क्योंकि डायरेक्ट इंडायरेक्ट काफी लेंथी है, तो मैं इसके रूल्स अभी जो चीजें हैं जैसे खासतौर पे हमने इसके अंदर क्या करना है, इंटरोगेटिव वाले करने हैं, इंटरोगेटिव वाले डू जो पहले आ जाता है, डिड पहले आ जाता है सेंटेंस के, वो करने और व्हाट वाले, डब्ल्यू एच वाले, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसके बाद उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि उसको भी देखें, फिर इंडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बना देंगे। तो देखें जो मेरे अगर मैं वीडियो वन अपलोड करता हूँ, वीडियो टू करता हूँ, एपिसोड वन यानी कि एपिसोड या पार्ट वन या पार्ट टू करके उसके मैं प्ले लिस्ट में बना दूंगा उसकी, आप पहले वन को देखिएगा, फिर टू को देखिएगा, फिर थ्री को देखिएगा, पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट को देखिएगा, इंशाल्लाह जो आपसे वादा मैंने शुरू में किया था वो जरूर पूरा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इंटरोगेटिव है, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंटरोगेटिव बनते हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आपसे लगाते हैं। अच्छा मैंने 9-10 फर्स्ट सेकंड के सारे गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए, ज़िशान इन्फो लिंक है और तमाम स्टूडेंट अपने गेस्ट पेपर हासिल कर सकते हैं, तो हमें याद रखिए।